और बहुत लोग तरह तरह का हम लोगों को गाली देने का प्रयास किया, हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन आप जो आवाम हैं, जो जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं, और जब जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं तो आपको देखना है कौन कब से लड़ रहा है और कितने मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को एक महीने की जरूरत है, और हमको पूरा विश्वास है कि अगला सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस बार भी लोकसभा में बहुत वोट मिला हम लोगों को, 9% हम लोगों का वोट बढ़ा, भाजपा इंडिया लोगों का 6% कम हुआ, 4-4 लाख से लोग हारता था, इस बार बहुत मार्जिन जो है कम हुआ, लोगों का मिला, सब लोगों का वोट मिला, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, सब लोगों का पूरा मिला। अब थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। सोचो जब 19 में जब एक भी सीट लोकसभा में नहीं आया था तो 20 में हम लोग सरकार बना लिए थे बिहार में, वो तो 2-4 सीट इन्होंने बेईमानी कर दी, 12 वोट सारा 15 वोट सारा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम बिहार में उभरे और बने, और इस बार तो 4-4 लोग जीते हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोगों की विधानसभा में, और हम लोग काम करेंगे। हम जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी 3-3 हम लोग के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्री रहे। अभी भी हम लोगों ने जब कमिटी जो हम लोग का जो बना था आयोग में लगभग 28-30 हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक थे उनको हम लोगों ने मेंबर बनाया था। और आगे तो आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित जो है हम करने का काम करें। तो ये चिंता जो है ये हम पर छोड़ दीजिए, और ये भरोसा आप लोग कीजिए कि उचित भागीदारी आप लोगों को दिलाने का काम आने वाले विधानसभा में यशस्वी करेगा। इसके लिए आप सब लोगों से यही कहेंगे, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, सब लोग जो है मेहनत करने की जरूरत है। अभी तरह तरह के लोग राजनीति में आना भी चाहिए, चलो ठीक है, अधिकार है लोकतंत्र में सब लोगों को आने का जाने का। अब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसा आइडिया लेकर के आया जा रहा है जहां खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे पर अब राजनीति शुरू होने जा रहा है, वरना इतना दे दो, उतना दे दो, इतना ले लो, बिजनेस डील किया जा रहा है। कोई विचारधारा को पता, बिना विचार के क्या राजनीति हो सकती है? बिना साफ नियत के, विचार के क्या राजनीति की जा सकती है? हम तुमको बना देंगे, तुम बन जाओगे, इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे। सावन चल रहा है, ये तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात। अरे बनेगा तो 243 ही ना बनेगा, और चुनाव लड़ने वाला कितना लाखों में मिलेगा, कितना को बनाओ? ये सब केवल भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। अब आप सोचो आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है, बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं, और आपके साथ कौन है? लोग बोलते हैं तेजस्वी लालू जी के साथ कौन है, तो आप ही ना असली ताकत है हमारी, आप लोग हैं ताकत। अगर आप लोगों का ताकत आशीर्वाद लालू जी को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता,
तो हम लोग खड़े रह पाओ। ये केवल ताकत आप लोग ने देने का काम किया और आप लोगों से यही कहना चाहते हैं इसको बरकरार रखिए। जब तक मंजिल पे हम लोग नहीं पहुंच जाते और जिस दिन मंजिल पे हम लोग पहुंचेंगे सबका कल्याण करेंगे, सबका काम करेंगे, सबको जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और सरकार बनने के बाद तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यही हमारे चाचा क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, बोलते थे कहाँ से लाएगा, आपके बाप के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। और जब हम उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी कैसे मिल गए 17 महीना में, और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा करके आए। अब हमारे जाने के बाद क्या हो रहा, पेपर लीक हो जाता, नीट का पेपर लीक हो रहा, शिक्षक बहाली का पेपर लीक हो जा रहा, नौजवान भाइयों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हमने कहा था मानदेव को बढ़ाएंगे, मानदेव को हम लोगों ने बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह ने। हम लोगों ने कहा था आरक्षण को बढ़ाएंगे, 75% आरक्षण कराया। हम लोगों ने कहा था जाति आधारित गणना कराएंगे, उसकी गणना हम लोगों ने कराई। सारे काम जो हम लोगों ने कहा उसको हम लोगों ने किया 17 महीने में मात्र। और एनडीए की सरकार 17 साल, बताओ कौन सा ऐसा काम किया। पुल गिर रहा है, लग रहा है कि कैसे गिर रहा है, हल्का सा बारिश हो रहा, पुल पे पुल गिर रहा है। एक एक महीना, दो दो महीना में लगातार चल, आप देखिए अब पूरा 17-18 पुल जो है गिर गया। कौन है जिम्मेवार, किस पे हो रही है कार्रवाई? तो आप सब लोगों को इस चीज को हम आए आप लोगों को बताने कि भाई इस चीज को हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे और हम चाहेंगे कि भाई संगठन जो है कार्यक्रम बना करके हर जिला ब्लॉक पंचायत स्तर पर कमेटी अमेटी बना करके घूमे और लोग जो है काम करें, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि और थोड़ा जोर लगाया जाए और मंजिल में हम लोग पहुँचेंगे, कामयाब होंगे। और आप सब लोगों को यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि आप लोग चिंता छोड़िए, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, आपको पूरा अधिकार सम्मान दिलाएंगे और आपके हक हकूक के लिए कोई समझौता नहीं बल्कि मजबूती के साथ आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।